इस बात को बढ़ावा देते हुए ये जजेस ने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लिया जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट मुस्लिम मैरिज एक्ट ये धर्म परिवर्तन ये धर्म आस्था वगैरह खत्म हो जाएगा और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा क्योंकि स्वामी सिविल कोड। इस बात को बजरंग दल शिवसेना आरएसएस बीजेपी के तमाम नेता प्रतिनिधि में 1992 से या उससे कबल भी यही बात कहती आ रही है कि मुल्क में हिंसा सिविल कोड ला दिया जाएगा। इनका मेन निशाना था मुस्लिम पर्दा पर, मुस्लिम पर्दा में मदाखिल किया जाए, शरीयत में मदाखिल किया जाए, इस्लाम में मदाखिल किया जाए, मुसलमानों की आस्था और जज्बात के एहसास को तकलीफ पहुंचाया जाए। चूंकि हिंदुस्तान कई मजाहब से ताल्लुक रखने वालों का मुल्क है, यहाँ कई मजाहब के लोग रहते हैं, कई मजाहब के लोगों के अपने अपने तरीके हैं, अतः हर 200 किलोमीटर पर यहाँ मजहब बदल जाता है, यहाँ जबान बदल जाती है, यहाँ लिबास बदल जाता है, खाना पीने का तरीका बदल जाता है, रस्म रिवाज बदल जाते हैं, हर 200 किलोमीटर पर ताकि भगवान भी बदल जाते हैं। ऐसे मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना कहां तक मुनासिब रहेगा, क्या ये काबिले बर्दाश्त रहेगा, क्या इम्पॉसिबल होगा, ये नॉन इम्पॉसिबल होगा। इसको सिख बुद्ध दलित ईसाई क्रिश्चियन मुसलमान कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि ये हर एक मजहब का आस्था का जज्बात का ईमान का मसला है कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन शुरू के मुकाबला जमाते और तंजीमें ये चाहती है कि अब इस बार वो लोग बढ़ते इकतदार है और वो ताकत में है हुकूमत, और इलेक्शन इंतखाबात के बाद से भी 1992 से पहले भी 1990 में इन दिनों में जब रथ यात्रा निकाली गई थी अल्पेश अडवाणी के द्वारा तो यही बात कही गई थी कि अगर हम 300 के ऊपर पार्लियामेंट में अल्का ने पार्लियामेंट आते हैं तो हम मामले में उनको शहीद करेंगे और वहां प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तुम जाओ पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए दोस्तान पाकिस्तान या कब्रस्तान, एक धक्का और दो बावली मस्जिद तो इस तरीके के नारे बुलंद किए गए और सारे हिंदुस्तान में रथ यात्रा के जरिए सहन बनाया गया, कार्यक्रमों को तैयार किया गया, रामायण सीरियल बनाया गया, राम लक्ष्मण सेलिवानिया टिकट बनाई गई, रामदेव मसाले बनाए गए और एक खबर खड़ा किया गया कि यहाँ पर हम चेंजेस लाना चाहते हैं, यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, हिंसा सिविल कोड नाफिज करेंगे, हम शरीयत को खत्म करेंगे। इस कदम से करते करते इन लोगों ने सत्ता हासिल कर ली। बाबरी मस्जिद की शहादत 1992 में सारे आलम इस्लाम के सामने हुई और हमारा ये गुमान था, हमारी उम्मीद थी कि बाबरी मस्जिद को अगर शहीद कर दिया जाएगा तो कुछ में जहाज का ऐलान होगा, पड़ोसी मुल्क हमला कर देगा, अरब ममालिक पेट्रोल बंद कर देंगे, मुलाजमतों से निकाल देंगे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद छेड़ी तो 1992 को दिन दहाड़े सारे आलम इस्लाम के सामने शहीद कर दिया गया तो हिंदुस्तान का मुसलमान मासूम बच्चे की तरह देखता रहा, जिस तरह उसका खिलौना तोड़ दिया जाता है वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस रहा, ना पड़ोसी मुल्क ने हमला किया, ना अरब ममालिक ने पेट्रोल बंद किया, ना जहाज का ऐलान, न सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया बल्कि सूरत के अंदर फसाद करवाया गया और हमारी माँ और बहनों को बनाना घुमाया गया और उसकी वीडियोग्राफी की। 1993 के अंदर मुंबई के अंदर फसादात बर्पा किए गए, जो मुसलमान रात में करोड़पति बनकर सोया था सुबह वहां से फुटपाथ पर फकीर बनकर नजर आया, टारा के तहत बेशुमार लोगों को पुनः अपने एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे हैदराबाद में हैबिट्स पे नमाज पढ़ने वाले मरहूम मौलाना नसीरुद्दीन साहब और उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, कई जिलों में मुसलमानों को बंद कर दिया गया, सीनों और सरों पर गोलियां मारी गई, मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला बढ़ता गया है कि अजाएं आगे बढ़ने लगे। अंजाम 2002-27 फरवरी को गोजार के बाबे को लेकर गुजरात में फसाद बर्पा किया। आज वक्त के वजीर आजम जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, 3 महीने तक गुजरात चलता रहा, दुनिया तमाशा देखती रही, इंसानियत दम तोड़ती रही, लेकिन कोई गुजरात के मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यही वजह से इत्तेहाद मुस्लिमीन की, यही तामीर मिलत की, यही जमात इस्लामी की, यही और दीगर तंजीमें थे जिन्होंने गुजरात का रुख किया, कामे कलमे सपने जो कुछ हो सकता था गुजरात मुसलमानों की मदद। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब 2014 में बीजेपी आई और यही नरेंद्र मोदी ने हुकूमत हासिल किया तो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ,
اور سب سے پہلے ان لوگوں نے دھروا کسی کے نام پہ مسلمانوں کو مارا, پھر اس کے بعد لو جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو مارا, پھر اس کے بعد بندے ماتر وندنا سرسوتی سوریا نمسکار کہا, پھر کہا کہو بھارت ماتا کی جائے, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گاؤں کسی کے نام پر تعلیم کے اخلاق احمد کو مارا گیا, پہلو خان کو مارا گیا, حافظ جنید کو مارا گیا, قاسم کو مارا گیا, سبھی کو مارا گیا, آج ملک میں 57 سے زائد معافی کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. جبکہ قرآن میں سورہ بقرہ سب سے بڑی آیت ہے, جس میں 286 آیات ہیں جس میں گائے کا ذکر آیا ہے. 100 گاؤں کو پالنے اور کھانے کا حکم دیا گیا ہے, جو چیز ہمارے لیے جائز قرار دی گئی ہے اس کو کھانے کی طرف لائق بنا دیا گیا, اور ان جرم کے تحت یا تو گرفتار کیا جا رہا ہے یا پھر مارا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سلسلہ جاری رہا اور ملک میں مسلمانوں پر مظالم جاری رہے, کبھی اخلاق احمد کو مارا گیا تو گجرات میں احسان شافعی کو مارا گیا, جو کانگریس کے ایم پی تھے گلبرگ سوسائٹی کے اندر, آج بھی ان کی بیوہ زکیہ جعفری عدالت کے دروازے کٹکھٹا رہی ہے لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا. ممبئی کی لڑکی سے جان انکاؤنٹر کیا گیا گجرات کے اندر, آج بھی ان کے ماں باپ انصاف طلب کر رہے ہیں. وہ بالکل بارہ کا کیس ابھی چل رہا ہے جن کا اس عصمت ریزی کی گئی اور قتل ان کے اپرادھ خاندان کا قتل کر دیا گیا. شیخ سیراب الدین اکبر زربی کا قتل کر دیا گیا, 14 اپرادھ خاندان کو بالکل بانوں کے قتل کر دیا گیا, ظاہرہ شیخ کی زندگی کو بیس بیٹھنے کے کیس میں تماشا بنا دیا گیا. آج یو اے پی اے قانون لایا گیا, آج کئی بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, آج بھی دلی کا نظیر لاپتا ہے. پھر این آر سی اور سی ڈبل اے کے اندر کیا کیا گیا اس ملک کے اندر آپ کے سامنے, شاہین باغ پہ بیٹھ کے احتجاج کرنے والی خواتین کو کیا کرنے کی کہا گیا, 500 روپے کی خواتین کہا گیا, کسی نے کہا کہ ان کو بلڈوزر چلا دیا جائے, کسی نے کہا کہ ان پر فائرنگ لاٹھی چارج کر دیا جائے, کیا کیا ان لوگوں کے پورا منجات کرنے والوں کے ساتھ نہیں کیا گیا. آج مظالم کا سلسلہ ہمارے پاس مسلسل جاری ہے, یہ بحث کی ہے کہ آج بی جے پی پر سر احتجاج. مسلم لیڈرشپ اور قیادت کی بات ہم کریں تو قائدین کا مقدار ہی نہیں بلکہ قائدین ختم ہو سکے, کیونکہ جہاں تک مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2012 کے انتخابات کے اجلاس کے بعد ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ ختم ہو چکا ہے. مجھے کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے اور معافی بھی چاہتا ہوں, کیونکہ اسی بات میں مجھے کہ کیس میں تمام ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کو یہی کہا گیا تھا کہ عدالیہ کا جو فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کریں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے صبر کیا اور عدالیہ کے فیصلے پر انتظار کرتے رہے. انجام کا 30 ستمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آیا, رام مندر کی تائید ہے. پھر بھی یہ کہا گیا کہ ہم صبر کریں گے, ہم عدالیہ آج عدالیہ اس وقت کا ہم فیصلے کا انتظار کریں گے اور باقی امید ہے کہ سپریم کورٹ میں لڑا جائے گا اور اس کا جو فیصلہ آئے گا ہمیں قبول کیا جائے گا. حیدرآباد کے مسلمان قابل تعریف ہے جنہوں نے 2012 کے حیدرآباد منعقد اجلاس کے اندر 5,55,00,000 کی امداد مسلم پرسنل لا بورڈ کو دی تھی کہ باقی امید کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑا جائے, لیکن 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا, وہ بھی مسلمانوں کے خلاف حق میں آیا. پھر اس وقت پورا کیس ہی ختم ہو گیا جب 5 اگست 2020 کو اس ملک کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند, وزیر اعظم نریندر مودی, آدتیہ ناتھ یوگی اتر پردیش کے چیف منسٹر نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا اور بابری مسجد کا معاملہ ختم کر دیا. تو اس کے بعد پھر ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کچھ کرے گا, کچھ کہے گا یا کچھ مقابلہ کرے گا. جیسے بھی مسلم صاحب نے کہا کہ صبر و استقامت کے ساتھ ان کو اب ڈیفینس نہیں آفینس کی ضرورت ہے, تو آفینس کون کرے گا اور آفینس کیسا ہوگا, ہماری لیڈرشپ کو ختم کیا جا رہا ہے. آپ مسلم مسلح بورڈ میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب علی میاں کو پھر اصلاح نہیں رہے, اب مولانا سید خواجہ نظام الدین صاحب نہیں رہے, ولی رحمانی صاحب نہیں رہے, مولانا قلب صادق صاحب نہیں رہے, مولانا عبدالحلیم قریشی صاحب نہیں رہے, مولانا بن ناصر الثانی صاحب نہیں رہے, سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین قریشی صاحب نہیں رہے. خدا آور ہے کہ قائدین اب کہاں ہیں, کس ریاست میں ہیں مجھے بتائیے. اب جہاں تک لیڈرشپ کا بات ہے, ایک بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت واحد
डिबेट का भी मुकाबला करते हैं, पार्लियामेंट का भी मुकाबला करते हैं, मुखालिफिन का भी मुकाबला करते हैं, फिर समर्थकों का भी मुकाबला करते हैं, आखिर वो अकेले तनहा कब तक लड़ेंगे, कब तक सवालों का जवाब देते रहेंगे, कब तक उनसे ताकत आजमाई करते रहेंगे, कौन है उनके साथ, कौन उनके हाथ मजबूत करने के लिए आ रहा आगे बढ़ना। उत्तर प्रदेश में 2017 के इंतखाबात हुए, वहां के मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। अड़तीस सीटों पर मुकाबला किया, कामयाबी नहीं। 2022 में 94 सीटों पर मुकाबला किया, वहां मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, कामयाबी नहीं। बिहार के अंदर मुकाबला किया, वहां 15 के अंदर 6 उम्मीदवार खड़ा किए, कामयाबी नहीं हुई। वनीस के अंदर अख्तर इमान साहब को एमपी के लिए खड़ा किया, वहां कामयाबी नहीं हुई। फिर अब 2022 के अंदर, फिर बिहार में 2020 के अंदर मुकाबला किया, अलहमदुल्ला 5 अकाली असेंबली कामयाब होकर आए, लेकिन 4 की दूसरी जमात में जाकर बैठ गए। खाली वही बंगाल के अंदर तो वहां इतना शक्तियां की गई कि कदम रखने जैसे करने की इजाजत तक नहीं दी गई। फिर हमारे यहाँ 2022 गुजरात इंतखाबात में मुकाबला किया, 13 सीटों पर, फिर आज भी वहां पर कामयाबी नहीं मिली। कौन आगे बढ़ रहा है और कौन मदद के लिए तैयार है, आप देखिए मुसलमान किधर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान साहब एक अदावा लीडर, एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर में उनका बहुत सारा असर है, आज उनकी रामपुर की सीट हासिल कर ली, वहां बीजेपी आ गई। किताब चोरी के इल्जाम में, बकरी चोरी के इल्जाम में, भैंस चोरी के इल्जाम में मुकदमा लगा दिया गया और उनको जेल की जिलत बना दिया गया। शफीक रहमान बख्त साहब कहां है, उनके पोत्र जयाल रहमान बख्त कहां पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी को जेल में डाल दिया गया, बुलडोजर से उनकी जायदादों को, फार्मों को तोड़ दिया गया, उनके अकाउंट को सीज कर दिया गया, अतीफ अहमद की सियासी जिंदगी को खत्म कर दिया गया, अयूब कुरैशी की सियासी जिंदगी को खत्म कर दिया गया, बिहार के शहाबुद्दीन का इंतकाल हो चुका है, अब वासिम आजम जहां महाराष्ट्र के अंदर मुझे लीडर है, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक से बाहर फैसला विशाल अपने पार्लियामेंट ने, जिस वक्त 70 हजार पार्लियामेंट हुआ करते थे हमारे और आज घट के तेदार खाली सोच चुकी है। ये जमुई युद्ध है, इसके अंदर उसकी बात सुनी और समझी जाती है जिसके पास सियासी ताकत कुवत है। बताइए हमारी सियासी ताकत कुवत कहां है और कहां जा रही है। एक नाजुक दौर से मुसलमान गुजर रहा है और जिस तरह इन लोगों ने तमाम कवानीन बनाए और तमाम चीजों को हासिल किया, हमें शक और शुबहात है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। खुदा न करे, अल्लाह न करे, नौजुबिल्ला उनको इसमें कामयाबी हो, क्योंकि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के मुसलसल फैसलों और कामयाबी के बाद सिपत अल्लाह का कानून लाया गया 2017 में, वो एक शरीयत में मदाखलत, जबकि कुरान में सूरत अल्लाह का जिक्र है और हलाल है और अल्लाह ताला को तमाम हलाल चीजों में नापसंदीदा चीज का लाभ है, आज उसे महरूम कर दिया गया है मुसलमान और पीपल के पास कानून लाकर उसके लिए लाइन बना दिया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि एनआरसी CAA लाया गया, होमोसेक्सुअलिटी, हम जिस फलस्ती जो इस्लाम में कौम लूट की अमल को कहा जाता है जिसका बहुत बड़ा गुना है कबीरा है, जो आजाद के मुंतब होते हैं उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इलीगल रिलेशनशिप, नाजायज ताल्लुक मर्द और खवातीन से, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है जो इस्लाम में कतई हराम है, उसको जायज करार दिया गया है और दीगर मजाहब के अंदर भी उसको काबिल कबूल नहीं है लेकिन उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और यूपी यूएपीए का कानून लाया गया है। उसके बाद हाल ही में मौलाना आजाद फेलोशिप स्कॉलरशिप जो पीएचडी एमबीए को दी जाती है अर्से दराज से, उसको खत्म कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई ताकि मुसलमान तालीम से महरूम हो जाए, एक तरफ आला तालीम पर जोर लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बुनियादी तालीम पहले ही हमारा ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तालीम तंग कर रहे हैं और वहां पर ये मामला हमारे साथ है। फिर एक नया सोचा कि मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए 18 साल उम्र तक आई है, जहां शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है, 12 साल तक का निकाह किया जा सकता है लेकिन 18 साल की उम्र की पाबंदी लगा